देखिए, ये तो लगातार किसान अपनी मांग पे अड़े हुए थे। तीन काले कानून वापस लेने की बात कही जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आंदोलनकारियों को कभी ठलुआ कहा, कभी दलाल कहा, कभी पाकिस्तानी समर्थक कहा, कभी आतंकवादी कहा। तो सारे जितने भी संज्ञाएं उससे उन्होंने अपमान करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं, और आज उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो कृषि कानून वापस लिए। राहुल गांधी जी लगातार कहते रहे, उसके हर बात आज सही साबित हो रही है। पहले उन्होंने नोटबंदी की बात कही थी, ये देश के लिए नुकसानदायक होगा। फिर जब लॉकडाउन लगाया गया तब भी उन्होंने कहा था ये देश की अर्थव्यवस्था तोड़ने वाली है, और कोरोना जब आया तब भी उन्होंने कहा कोरोना को हल्के में मत लीजिए। वो नमस्ते ट्रंप करा रहे थे तब भी उन्होंने सचेत किया था। तो आज कृषि कानून के लिए भी राहुल जी ने कहा था ये तीनों कानून वापस लेने होंगे, आपकी बात सही साबित हुई है। तो आज केवल तीन कानून वापस लेने की बात नहीं है, बल्कि तीन कानून के साथ साथ किसानों की जो मांग है एमएसपी में खरीदने की, पूरे देश में अनाज खरीदी एमएसपी में खरीदी हो, भारत सरकार सुनिश्चित करे।